इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूँ तनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ससन का अमृत सुधा वर्षायोग 2023 चल रहा है। इस स्वर्णिम अवसर पर 29 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य समय सार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूज्य मुनि पुंगव श्री की छत्र छाया में आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ प्रभु एवं गुरु भक्ति कर निज कल्याण भी कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में आज अवलोकन करते हैं इस अनोखे शिविर के छठवें दिन के प्रेरणादायक दृश्यों का। चलो शीघ्रता करो, जल्दी शास्त्र बहन करो। चलिए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म हम पकड़े थारी भैया, जन्म दुख मेट दो। बोले जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर पधारे और पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे कि ये गुरुवर हमारे लिए श्री समय सार जी ग्रंथ राज का स्वाध्याय कराकर हमारे जीवन को मंगलमय करें। हे गुरुवर नमोस्तु, 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 नमोस्तु महाराज श्री। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणौघा गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम् श्री श्याम परिवर्धकम् धर्म संबंधकम् भक्त जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्री समय सार जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री शरवज्ज देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः तेषां वचनोनुसार माशाद्य श्री कुंदकुंदाचार्येण विरचितं श्रोतारः सावधानतया श्रणवन्तु। मंगलं भगवान वीरो। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकम् कोटि शतं द्वादशैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या अरिहन्ति भासि यत्थं गणहरदेवैहि गन्तियं सम्मम्। इच्छामि भन्ते सुदवती काहु सगो कौ तस्सालोच्यम् अंगो वंग पैण्य पाहुड पर्यम्मी सुत्त पड़माणी ओग पुवग चूलिया चेव सुत्त थय द्वि धम्म कहायम सयाणिच कालम अंचे मे पूजे मे। अत पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायाम श्रीमद आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम। श्रुति जलधि पारगेभ्यः स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो छत्तीसगढ़
गुरु भक्ति संजिमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरम। ये नित्यं व्रते मंत्र होम निरताः ध्यानाग्नि हो गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इक्षामि वन्ते आयरिवती काउ सगो कौ तत्सालुच्युं शम्मणान् सम्मदंसन सम्मचरित्युत्ताणम् पंच विहाचाराणम् आयरियाणम् आयारादिषुड्नाणोपदेशयाणम् उवज्झायाणम् तीरायण गुणपालनयाणम् शव्यशाहुडम् सयाणिच्चकालम् अञ्चेमि पूजेमि। वंदितु सव्य सिद्धे देखो हाथ जोड़ने की जो कला है, हाथों को अपने यूं आना चाहिए, कोई यूं जोड़ता कोई यूं जोड़ता। ये देखो यहाँ जो अपने छाती की अंतिम हड्डी है चाहते वहाँ पर अपना अंगूठा लगना चाहिए, दोनों वहाँ पर अपना मन होता है, जैसे ही अंगूठ का स्पर्श पाता है वो जागृत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, मन के अंदर कोई क्लेश हो वो शांत हो जाता है। हमेशा ही वो दोनों यूँ होना चाहिए, हमेशा हथेली यूँ सीधी खड़ी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये समर्पण की भाषा है, ये ग्रहण की भाषा है। जब अपन नमोस्तु करेंगे तो यूं हो जाएंगे और जब ग्रहण करेंगे तो यूं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी। और ये अंगूठे दोनों हैं, ये यहाँ पर अंतिम हड्डी पर हल्का सा, जोर से नहीं, हल्का स्पर्श होना चाहिए। और ये टोनी दोनों हैं, ये सीधी होना चाहिए, किसी भी मुद्रा में हो ये स्थिति होना चाहिए। यह मुद्रा शास्त्रों में तो है ही, पूज्यवर कुंद स्वामी की एक मूर्ति है सिरोंजी में पुरानी, उस मूर्ति की मुद्रा देखो, यहाँ पर महाराज का हाथ है और ये दोनों हाथ में, तो इससे बहुत लाभ होता है। अपन लोग यूँ करने रहते हैं, यूँ को यूँ को, ये को सहारा दिए रहते हैं, गिर रही होटौड़ी, ऐसे नहीं करने रहे, ऐसे इससे ग्रहण बुद्धि आती है। ग्रहण करने मुद्राओं में भी बहुत बहुत ताकत होती है, अपनी उंगलियों में भी बहुत ताकत है। ज्ञान मुद्रा कैसे करना, ध्यान मुद्रा कैसे करना, अलग अलग रहता है। जो अपने आवश्यक हैं उनको तो कम से कम अच्छी तरह करना चाहिए। अध्यात्म ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है, अच्छा करेगा तो आत्मा ने किया, बुरा करे तो आत्मा ने किया। कुल मिलाकर के उपयोग को संभालना है, कर्म भी बुरा नहीं है, राग द्वेष भी बुरे नहीं है, बस तुम्हारा उपयोग उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है उसको देखना है, करना नहीं है, साक्षी बनो। साक्षी बनने में जो शक्तियां जागृत होती हैं वो करने धरने में नहीं होती है। अपन समझते हैं कि हम कुछ करें रह
रेकी में कुछ किया नहीं जाता। देखो हमारे यहाँ आशीर्वाद देते हैं तथास्तु। अब तथास्तु का अर्थ क्या है? वैसा ही हो, वैसा ही हो जैसा हो रहा है, जैसा होना है, जैसा होगा वैसा ही हो। कर्तृत्व जैनाचार्य बहुत बहुत कहीं आशीर्वाद में कर्तृत्ववाद ना आ जाए, आयुष्मान भव पुराने भव, उनका नहीं देने ही है आशीर्वाद तो समाधि रस्तु। तीन आशीर्वाद कहे हम मिथ्या दृष्टि को आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ भवतु, सम्यक दृष्टि को दिया धर्म वृद्धि भवस्तु, प्रतिमाधारी को दिया वृत्ति को समाधि रस्तु। तुम धर्म पूर्ण पा चुके हो, अब तुम समाधि में स्थित हो जाओ। सामान्य आशीर्वाद दिया जाता है तथास्तु। तथास्तु में पूरा समय सार है, पूरा समय सार। मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा होना है वैसे के लिए आशीर्वाद है। साधु जैन साधु कभी झूठा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आशीर्वाद दिया वैसा नहीं हुआ तो आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। नहीं, उसने आशीर्वाद क्या दिया था? तथास्तु, ये अनुभव वचन है। हो जाए तो आशीर्वाद है और नहीं हो जाए तो आशीर्वाद। तथास्तु, वैसा ही हो, कैसा हो, जैसा होना है वैसा ही होगा, जो तुम कर रहे हो वैसा ही होगा। तो इस प्रकार के तटस्थ भाव रख करके कुंदकुन स्वामी बार बार उपयोग को कह रहे हैं, उपयोग हटाओ पर पदार्थों से, उपयोग को स्वयं पदार्थ की तरफ लाओ, ये उपयोग ही खतरनाक है। बाहर से कोई वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा देती, हमारी वस्तु बाहर जा रही है। कोई भी व्यक्ति घर में आकर के हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हम बाहर जा रहे हैं, हमारी गलती है। तो बार बार पुद्गल कर्मों को रोकने का कोई उपाय रहे तो यही है कि पड़ा रहने दो, कीचड़ चारों तरफ पड़ा है पड़ा रहने दो, तुम मात अपने उपयोग को स्थिर कर लो। तुम पुण्य की इच्छा मत करो, तुम और भी करने धरने की इच्छा मत करो, तुम मात अपने ऊपर विश्वास करो। तुम्हारा यदि छह उपशम है तो तुम बिना निमित्त के भी क्षयोपशम अपने आप सुता काल लब्धि पे नहीं जाना। पुरुषार्थ भी करो तो वही कहो करो जो करना है। लोग कहते हैं कि समय साल में कर्ता हर्तापन का निषेध किया है, नहीं किया, ये कहा है जो करना है वही करो। सुबह उठकर के सामायिक करना है तो सामायिक करो, करना पड़ेगी। सामायिक जैसी करना है वैसी करो, ये कर्तापन नहीं है, ये कर्तव्यपन है। कर्ता में और कर्तव्य में कितना अंतर है? कर्ता में अहंकार है और कर्तव्य में समीचीनता है, सभ्यता है, योग्यता है। हमें देख के चलना चाहिए। हम जीवों को बचाने का अहंकार नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः पूछा जाए
तो हम अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं। गंजाइश लोग कहते हैं जीवों को बचाना भी राग है, क्योंकि हम चींटी को बचा रहे तो राग हो गया ना बचाने के लिए, और स्पष्ट दिख रहा है अपन चींटी को बचा रहे हैं तो राग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब सिद्ध करो, उन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि राग ब्रो है और राग जो है बंद का कारण है, रत्तो बंद अधिकम। अब ऐसे में क्या करो, उनके पास ऐसे तर्क हैं जिस तर्क में अच्छे अच्छे पंडितों के दिमाग घूम गए, बोलो इसमें राग है कि नहीं, इसमें है कि नहीं। एक बार शायद सुना होगा कि हमारी दीक्षा ही हुई, कुछ नहीं जानते थे हम, छुमा सागर जी वगैरह 6-7 होंगे। एक पंडित ने आकर दूसरे दिन दिमाग खराब कर दिया, बोले महाराज दीक्षा हो गई। वो मुंह लगे पंडित थे, मैंने कहा पंडित जी दिख नहीं रहा कि हो गई, कल भी तो तुम थे। उन्होंने कहा नहीं आपसे पूछ रहा हूँ हो गई क्या, बोले क्या पाया क्या खोया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कैसे नहीं हुआ, वहाँ माँ बाप के अधीन रहते थे यहाँ गुरु के हो गए, वहाँ माँ बाप की आज्ञा मानते थे यहाँ गुरु की मान रहा, वहाँ माँ बाप को बड़ा मानते थे यहाँ गुरु को मान रहे, वहाँ माँ बाप का डर था यहाँ गुरु का डर है। राग ही राग है, बस कुछ नहीं है, ये भी बंधन नहीं है वो भी बंधन है। अब बोलो ऐसा दिमाग खराब किया, अब बुद्धि तो थी, मूर्ख होता तो शायद उसकी बातों का प्रभाव, अब ऐसा प्रभाव पड़ा हर चीज दिन लगी। ये तो वही है, यहाँ आचार्य से पूछो वहाँ उनसे पूछो, सब कुछ एक ही दिखने लगा। हार के बाद उन्होंने ये आग लगाई, पूरी सामायिक में आग लगती रही, दोनों एक ही तो हैं, कहीं बुद्धू तो नहीं बन गए। सही बात तो का सब एक सी दिख लगी, कुछ नहीं दोनों में कोई अंतर नहीं। सामायिक से उठ के आचार्य के पास द्रव्य संग्रह की क्लास लेते थे, तो हम लोगों ने तवाड़ तोड़ प्रश्न किए और हम लोगों ने प्लानिंग बना ली कि आचार्य कहेंगे चुप रहो स्वाध्याय करो, तो हम चुप हो जाए तो तुम बोलना, तुम हो जाओ तो तुम बोलना, लेकिन आज उत्तर लेके रहना है। वह आचार्य सिंह ने कहा कि आज हो क्या गया इनको, एक दिन में ये इतनी शंकाएं क्यों। आचार्य सिंह तो बहुत आगे उन्होंने कहा कोई पंडित जी आए थे क्या, अरे उस समय कहां से आ गए ये सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, पढ़ा ही नहीं है। प्रश्न विद्वानों का था, तो आचार्य हमने कहा हाँ पंडित जी आए थे, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। अच्छा तुम लोगों को भी सही लग गया, तो उन्होंने कहा देखो अब मैं भी अपनी बात कहता हूँ, तुम लोग समझदार हो समझ जाना दोनों राग में कितना अंतर। अभी रामटेक में जब गया था ना, तब आचार्य सिंह को वो स्मरण दिलाया था कि हम लोग कितने बुद्धू थे, हमने कहा सूर्य निकलते हुए देखा है, देखा है, तो उस समय लालिमा होती है लालिमा, सूर्य सनसेट देखा, बोले सनराइज और सनसेट में क्या अंतर है, वो डूबने के समय
और ये निकलते समय सनराइज है और डूबते समय सनसेट है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों लाल है, दोनों दिशाओं को लाल करते हैं, दोनों चंद्र सूर्य दोनों में एकदम लाल हो जाता है, दोनों में क्या अंतर? लालिमा में तो कोई अंतर नहीं है, नहीं है। फिर उन्होंने कहा, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, हमने कितने अंतर वाली है। बस समझदार तो थे ही, आ गई समझ में। देखो, प्रभात की लाली के बाद प्रकाश होता है, व्यक्ति निर्भय होता है। प्रभात काल को मांगलिक माना जाता है, सगुण माना जाता है। संध्या काल अंधकार को लाती है, अशुभ मानी जाती है, संध्या काल को ठीक नहीं मानते। ये दोनों संसार में जो राग था वो संध्या की लाली के समान था, और गुरुओं से पंच परमेष्ठी से जो राग है वो प्रभात काल की लाली। दोनों में इतना अंतर है, आगे समझ में। हमने क्लास खत्म होने तो उस पंडा को देखूंगा, ताकत आ गई ना उधर। लेकिन पंडित तो क्या है, आग लगा के चले जाते हैं। ऐसे संभालते हैं गुरु जन शिष्यों को। पंडित वर्ग संभालता नहीं है, बिगाड़ता है, दोष निकालते थे, क्योंकि वो धारण नहीं कर पाए ना, इसलिए। तो ऐसे ही कुंद कुंद भगवान अपन को बार बार जगाते हैं। तुम ये मत समझना कि पंच परमेष्ठी का राग छुड़ा रहे हैं, नहीं। वो कहते हैं कर्ता मत मानो, एक जीव को बचाओ। अब जीव बचाते समय तो राग है, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लोग कहेंगे कि दोनों राग एक समान ही है, एक मार रहा है और एक बचा रहा है। कसाई मार रहा है, वो द्वेष कर रहा है, तुम उसे बचा रहे हो तो राग कर रहा है। राग और द्वेष दोनों ये। अब समय सार ने ये कला सिखाई। बोले हम बचा ही नहीं रहे, हम बचा ही नहीं रहे। जैन साधु कभी किसी जीव को बचाता ही नहीं है, मारता भी नहीं है, क्योंकि बचाना राग है। हम बचा नहीं रहे हैं, हम तो अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं। क्या अहिंसा व्रत का पालन करना भी राग है? नहीं, ये तो व्रत है, सम्यक दर्शन का अंग अनुकंपा है। मैं तो अनुकंपा का पालन कर रहा हूं, मुझे इससे कोई राग नहीं है। ये जीवे ये भी राग नहीं है, मेरा ये भी राग नहीं कि संसार में कोई नहीं मरे। ये भी राग नहीं है कि संसारी व्यक्ति जीवित रहे, लाखों वर्षों तक जीवे या आदि संसार मरे तो मरे, संसार जिए तो जिए। मैं मारने वाला बचाने वाला कौन हूं? बस मेरा तो नियम है, मैं नहीं मारूंगा, मैं किसी जीव के प्राण पर, उसके प्राण निकलेंगे तो निकले, मैं क्या करता हूं? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं जिलाऊंगा। वो मेरे द्वारा मर रहा था तो
इसलिए हमने उसको अपने व्रत का पालन किया, क्योंकि मेरा व्रत खंडित हो जाता। इसलिए ऐसी सिद्धि करो, समय साल पढ़ने के बाद कोई भी सम्य क्रिया पर रूप न लगे, उसको सब किस पे ढाल दो, अपने पे। हम तो व्रत को पालन कर रहे हैं, हमें बचाने का कोई भाव नहीं। हमारा भाव तो है मेरे द्वारा न मरे। चीटों की लाइन जा रही थी, जाती है ना, तो हमने लोगों से कहा केकड़ी के पास बिहार कर रहे थे मालपुरा के लिए, बहुत चीटों के। उन्होंने कहा भैया देखो रुक जाओ, चीटों की लाइन जा रही है। तो एक सज्जन बोले महाराज जी आप भी क्या बात कर रहे, इन चीटों को बचा रहा है जो बचने नहीं है। पीछे से ट्रक आ रहा है, उसके पीछे ट्रक आ रहा है, यदि आप इनको बचाना चाहते हैं तो जब तक खड़े रहोगे यहाँ जाम लगाओ, जब तक पूरे चीटे, और चीटे जल्दी नहीं निकलते हैं, इनकी तो लाइन लग जाए तो रात दिन इनका जाम लगवाओ तो बचा पाओगे। क्या इनको बात चल रहा है, अभी ट्रक आके निकल जाएगा। मैंने कहा भैया मैं इनको बचा नहीं सकता, बचा भी नहीं पाऊंगा, बस मेरा तो भाव है कि मेरे द्वारा इनकी मौत ना हो। बस हमारे साथ तुम चल रहे हो इसलिए तुम्हारे द्वारा मौत नहीं हो, उनको मरना है सुबह तो अपने को बचाना है। अपन को ये नहीं देखना वो तो मरना ही था, नहीं मेरे द्वारा क्यों मरना था, मरे सो मरे, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं किसी के मारने का अधिकारी कर्ता धर्ता नहीं बन सकता। इसलिए कुंदकुंद भगवान बार बार कहते हैं तुम अपने उपयोग को हटा लो, तुम दुनिया में क्या हो रहा है उसका विकल्प मत करो, तुम्हारे द्वारा तो नहीं हो रहा है। दुनिया में चींटियां मर रही हैं कि नहीं, महावीर ने कहा तुम अपने पैर के नीचे की चींटी बचाओ। बस दुनिया की चींटी कैसे बचाऊंगा, बचाने नहीं, तुमने हमने कहा ही नहीं, पैर के नीचे की आने की बचाओ। तुम अपने आप को सुरक्षित करो, तुम अपने आप के परिणामों को संभालो। मैं नहीं करूंगा तो दूसरा करेगा, अरे करे तो करे। मैं नहीं जुआ खेलूंगा तो दूसरा खेलेगा, मैं नहीं मांस खाऊंगा तो दूसरा खाएगा, मैं नहीं शराब पीऊंगा तो क्या संस्थान के बच्चे जैनी लोग शराब नहीं पीते हैं कि तो शराब नहीं बिकती दुनिया में, बोलो महाराज। जब बिकी रही है तो हम लोग भी ले ले रहे, नहीं दुनिया जैसी भी है होने दो, तुम्हें वैसा नहीं होना। ये सबसे बड़ी सोच पूज्यवर कुंदकुंद भगवान की है, और ये बार बार तुमसे कह रहे हैं कि संसार से हटने की नहीं कह रहा हूं, कदम मज्जे कदम। वे जानते थे कि पंचम काल में एक कर्म रूपी कर्दम अलग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंचम काल में कर्म और नौ कर्म का सहारा लेना ही तो उनका रहना दो। सोने का उदाहरण दे दिया, ऐसे उदाहरण दे दिए। अब कई बार ये कहें अपन लोग थक जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, कुछ हुआ ही नहीं। शांति धारा भी करा ली, भक्तांबर भी पढ़ लिया, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन महाराज जी काम हुआ ही नहीं। अब ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो मैंने तुम्हारी शांति धारा काय के लिए कराई थी, मैंने तुम्हारी
शांति धारा इसके लिए थोड़ी कराई थी। शांति धारा के बाद कई लोगों ने कहा महाराज देखो उसने शांति धारा की तो मर गया। तो मैंने कहा भैया मैंने जिंदा रहने के लिए कराई नहीं थी, मैंने जिंदा रहने के लिए कराई नहीं थी, तो फिर काय के लिए कराई थी। हमारा तो ये भाव था मरे तो शांति धारा करके मरे, मरे तो अभिषेक करके मरे, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरे, ये के लिए मेरा तो भाव यही था। मैं कभी किसी से आज तक नहीं कहा ऐसा करो तुम बहुत परेशान हो शांति धारा करा लो, तुम भी मारो शांति धारा करो, कभी नहीं बोलता मैं। पर ये जरूर कहता हूं कि कराना चाहिए, कम से कम अभिषेक करते हुए मरो, अभिषेक करने के बाद मरो तो कम से कम मरना तो है ही, लेकिन अंगला भाव नमोकार मंत्र बचाने के लिए मत पढ़ो, नमोकार पढ़ते हुए मरो, यह समय सार। हम किस लिए पढ़ते हैं? मैंने सब जितनों पे उपसर्ग आए सम्यक दृष्टियों ने कभी नमोकार मंत्र बचने के लिए नहीं पढ़ा। अंजन छोड़ना नमोकार मंत्र बचने के लिए नहीं पढ़ा था, वो तो जानता था कि मेरा मरना निश्चित है। जब सेठ जी को नमोकार मंत्र नहीं हो रहा तो हम जैसे पापी को क्या होगा, मरना निश्चित है। बस उसके मन में एक ही भाव आया मरना तो है ही हमें, पीछे से कोतवाल आ रहे हैं, कम से कम मरूं तो नमोकार मंत्र के लिए मरूं। इस श्रद्धा के साथ बस मरने के लिए पड़ा उसने। सती सीता ने अग्नि का तुम लोगों ने भजन बिगाड़ दिए हैं। क्या है भजनों में हमें दूसरे संप्रदाय के कर्तृत्ववाद की आजकल इसमें संस्कार आ गए, हर भजन में कर्तृत्ववाद आ गए, पहले के भजनों में नहीं था, अब आप भजनों में अच्छे लगते हो। अब जैन दर्शन में सबरी कहां से आ गई है, जैन दर्शन में सबरी, लेकिन उदाहरण बहुत अच्छा है, हम लोग भी देते हैं, उदाहरण बहुत अच्छा है। सिद्धा की भक्ति को दृढ़ रखने के लिए उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन उदाहरण तो हम चींटी का भी ले लेते हैं, उदाहरण तो हम पशुओं का भी ले लेते हैं, लेकिन सिद्धांत तो नहीं हो गया ना, क्योंकि जैन दर्शन में सबरी है ही नहीं। अब जैन दर्शन में अपन राम और श्याम को एक कर देंगे, और श्याम जी कहाँ गए, राम जी कहाँ गए, और अपने यहाँ तो राम और श्याम सब एक ही है, दुनिया में सब एक मानते हैं। सबरी के राम, मीरा के श्याम, अब मीरा के श्याम तो गए नीचे, मीरा अपने यहाँ है ही, लेकिन ये संस्कार कहलाता है। तो हमें हर चीज को ग्रहण करने में आपत्ति नहीं है, हमें ध्यान रखना चाहिए ये मात्र हम शिक्षा के लिए ले रहे हैं। ये मात्र हम शिक्षा के लिए ले रहे हैं, सिद्धांत नहीं है। 90% आजकल के तुम्हारे इतने भजन हैं वे सब शिक्षा प्रद तो है लेकिन सैद्धांतिक नहीं है।
जैन दर्शन पग पग पर बाधित है आजकल के भजनों में, सिद्धांत है ही नहीं। पहले के भजनों को पढ़ते समय सिद्धांत आता था, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमायो, अब हम अमर भये न मरेंगे। लेकिन वो भजनों में तुम्हारी इच्छाओं की तुष्टि नहीं होती ना, तो वो झोली भर दे रे। ऐसे भजन गाने, पुराने कवियों के भजन पढ़ो, उनको कम से कम संस्थान के बच्चों को पुराने भजन आना चाहिए। दौलत राम के, ध्यानत राय के, इनके भजन देखो क्या है। समय साहब देखो क्या बन गया, पर घर फिरत बोलो समय सार है कि नहीं। अब हम अमर भये मरेंगे, बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, लेकिन वो सब लोगों ने आउट कर दिए। ये सब उनके बजाय भजन हैं, बनाने वाला जेल में सड़ रहा है। उनके भजन तुम्हें अच्छे लगते हैं? ये जितने भजन तुम गाते हो ना वो गुरुओं के संबंध में, बापू के हैं वो, और कहाँ है अभी वो? हाँ, उनके भजन, क्योंकि उन्होंने आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दी है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति जिसमें होती है वे भजन तुम्हें अच्छे लगते हैं, और उन भजनों के लिए क्या करेगा वो, क्या लिखेगा जो स्वयं भजन लिख करके जेल में सड़ रहा है। और ऐसे अपराध, जिन अपराधों की दुनिया से बड़े बड़े अपराधों की जमानत है, क्या भजन उनके? ठीक है, शिक्षाप्रद थे, शिक्षाप्रद हैं, लेकिन हमें भजन गाते समय ये भी देखना है कि हमारे भजनों में सिद्धांत गायब न हो जाए। सभ्यता हो, लेकिन सभ्यता में सत्य बाधित नहीं हो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भजन गाते हो ना तो माइक सब में लगे हैं, तो मैं सुनता रहता हूँ। मैंने कहा ये बच्चे बच्चियाँ भी सब पागल हो रहे हैं भजनों में, अपने मूड भजन तो गा नहीं रहे हैं, ये फिल्मी टोन पर भजन है जिनमें कोई तत्व ही नहीं है। हमारे यहाँ वचनों की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, वक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाण। वक्ता कैसा है, लेखक कैसा है? सही तो लिख रहा है, सही लिख रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए तुम लोगों को ऐसे भजन छपी हुई हैं किताबें, वो किताबें भी छपी हैं सब ध्यान रहे। इनके भजन जब भी पंडित हो तुम लोग, तुम लोगों को कोई विद्यार्थी के रूप में नहीं देख रहा है, सब तुम लोगों को होनहार पंडित के रूप में दिख रहा है। जब तुमसे कोई पुराना भजन पढ़ते हुए सुनेगा ना, श्रद्धा तुम्हारी प्रति चौगुनी हो जाएगी, ओहो जरूर ये पंडित है। और आज के वचन पढ़ते हुए देखना, हाँ बोले ठीक है, होगा कोई। उन भजनों की टोन बनाओ, उन भजनों को बीच में फिट करो, पूजा के बीच में फिट करो। वे भजनों के रूप में पूजा
पूजा ही बिगाड़ देते हो। पूजा में कई लोग भजन कहते हैं, वो क्या कहते हैं ना, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। हाँ तो कोई को जिन सब जानते हैं कि फिल्मी दुनिया है, तो दुनिया क्या जाने, लगे गुरु से प्रीत दुनिया क्या जाने। ये सब गाना है कि नहीं, अकेला उसमें गुरु शब्द जोड़ दिया है ना, स्वयं का तो भजन है ही नहीं, तोड़ फोड़ करके जहां हीरो का नाम है वहां गुरु का जोड़ दो, हो गया भजन, बस और क्या। नहीं, इन भजनों में निर्जरा नहीं है, वो भजन पुराने भजन लाओ और या नए सैद्धांतिक बनाओ जिनमें समय साथ झलके, समय साल की परिणति हो, भाषा कोई भी हो, शैली कोई भी हो, हमारा सिद्धांत झलकना चाहिए। हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, इससे कोई बाधा नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं, तुम उदास मत हो, क्योंकि तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तुम ये समझो हमारा पुण्य नहीं था। पुण्य का अर्थ योग्यता नहीं थी, हम कार्य करने में सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, हमारी उतनी योग्यता, हमारा पुण्य साथ नहीं। ये गाथा बीच में क्यों लाए, नाग फड़ी ये मूलम नायण तो यण नागण नागम हो सुवर्णम, क्यों यहां लाने की क्या जरूरत थी, कर्तृत्ववाद मिटाने के लिए, तुम्हारी हीन मानो, ये काम क्यों नहीं हुआ, हमने सब चीजें तो मिला दी सारी। उनने अंत में समय सार का सुविधा धम्मच्छ भाव, यदि आपका धर्म भाव यानी पुण्य भाव होता तो ये संभव था। कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे, निकम्बे मत बनो, समय सार पढ़ने के बाद प्रायः प्रायः गंजाइश लोग निकम्बे बन जाते हैं, बोले अपन को कुछ नहीं करना, सब काम समय पर अपने आप हो जाएगा। अब ये गाथा के बाद जो आगे गाथा अपन पढ़ने वाले हैं, इस गाथा के बाद कुंदकुंद भगवान डर गए। हमारे महाराज सबसे ज्यादा डरपोक हैं कुंदकुंद भगवान, बहुत हर गाथा दो तीन गाथाओं के बाद कुंदकुंद स्वामी डर जाते हैं, अब अनर्थ हो जाएगा क्योंकि मैंने ये कह दिया सब भाग भरोसे, सब कुछ कर लिया नहीं हुआ तो मानो तेरे भाग्य में लिखा था, ऐसे ही था। तो हर व्यक्ति कहेगा पुरुषार्थ मत करो रे, पुण्य का उदय आएगा तो सब अपने आप काम। बस आगे की गाथा बता रही है कि डर गए, बोले नहीं, जो कार्य जिस कारण से होना है वह कार्य उसी कारण से होगा, ये नियत है। और नियतवाद क्या है, जिस समय जिस कारण से होना है उसी समय होगा। अकलंग स्वामी महाराज ने कारण कार्य की व्याख्या, आंख ही देखेगी ये नियत है कि अनियत है, कान नहीं देखेगा ये नियत है, क्या देखेगी ये नियत नहीं है, आंख से ही देखेंगे ये नियत है, कान ही सुनेंगे, मुंह ही बोलेगा, पैर ही चलेंगे, ये सब नियत है। सूर्य से प्रकाश आएगा चंद्रमा से नहीं, उष्णता सूर्य से आएगी चंद्रमा से, ये नियत है। और नियत बाद में क्या जोड़ दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो उसी बात को लेकर कहते हैं, कम्मम हवे ये केट्टम रागादि कालिया आय विभावो
सम्मत नान चरणम परमो सहमिदि ध्यानाही। सब कुछ यदि भाग्य से होना है तो ये गाथा लिखने की जरूरत ही नहीं। जो जिस समय होना है, लोग कहते हैं वास्तु से क्या होता जो होता है सब कर्मों से होता है, तो मैं यही तो कहता हूँ रोटी से क्या होता है, जो होता है सब कर्मों से। दवाई से क्या होता है, जो होता है वो सब कर्मों से होता है। दवाई क्यों खाते हो, क्यों खाना जरूरी दवाई, क्यों खाना दवाई, क्योंकि दवाई नियत है, जो होना है वो होगा, ये पहले नहीं लाना। हमने शायद एक आध दिन कहा भी था, कार्य करने के पहले ये तीन चीजें कभी मत लाना। पहले भगवान ने जो देखा है वही होगा, सबसे बड़ा अवशगुन है। भगवान भरोसे कोई काम मत करना, कोई भी काम। यदि तुम्हें शुरू करते समय भाव आ जाए तुरंत काम को रोक देना, सबसे बड़ा अवशगुन है भगवान भरोसे किसी कार्य को करना। दूसरा, हमारे बड़े लोग हमारा यह कार्य कर देंगे, हमारी पहुंच बहुत है, बड़े लोग कर देंगे, हमारे पास गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हमारा सब काम मेरे गुरु करेंगे, सब काम वो कर देंगे, जितने हमारे बहुत बड़े बड़े लोग। ये कार्य करते समय कभी ये भाव नहीं लाना कि मेरा कार्य मेरे बड़े बड़े लोग कर देंगे। यदि आ गया, अपशगुन हो गया, उस कार्य में तुम कभी सफल नहीं होगे। तीसरा अपशगुन जो है भाग्य भरोसे। किसके भरोसे? भाग्य भरोसे। कोई भी काम भंवर में नैया डालो, भाग्य भरोसे नहीं डूबेगी, डूबेगी। क्योंकि पहली गाथा 231 नंबर की गाथा ये तीन अवशगुन कराने वाली है, इसलिए उनको 232 गाथा तुरंत लिखना पड़ी। अवशगुन है पहली गाथा, 232वें नंबर की गाथा अवशगुन है, तुम्हारा ज्यादा सारा जोश ठंडा कर देगा। काय को माथा बुरी कर रहे हो, जो होना है सो, काय को माथा बुरी। भाग्य से ज्यादा और समय से अधिक किसी को कुछ कुछ नहीं पड़ोगे। अब देख लो, इसी को शुभ करता हूं, ये तीनों चीजें अशुभ है ना। अब जब कार्य हो गया, कार्य हो गया, अब देखना शुभ देखना, अब तुम्हें बहुत बड़ा मौका है पुण्य बांधने का, अब सफलता पे सफलताएं मिलेंगी। इतना पुण्य बंधेगा, इतना पुण्य बंधेगा कार्य होने के बाद, ये सब कैसे हो गया? अरे भगवान भरोसे हुआ है, गुरु भरोसे हुआ है। भगवान ने ऐसा ही देखा था, बिगड़ गया तो संकलेश मिटाने का सबसे बड़ा मंत्र है, नमोकार मंत्र नहीं। संकलेश मिटाने का मंत्र क्या है? भगवान ने ऐसा ही, कौन टाल सकता है,
कौन टाल सकता है? नहीं हुआ, भगवान ने देखा था, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। अब ये शब्द आते ही शांति आएगी कि नहीं आएगी? अभी अपन को काम शुरू करना है, इन तीनों को एक तरफ रखो और चलो। कम्मम हवे कितम, पुरुषार्थ को क्या सिखा रहे, गाथाओं को समझो। इतनी बड़ी गाथा कह के यहाँ कर्तृत्ववाद की गाथा कह रहे, ये अकर्तापन की गाथा है, धम्मच्छ भाव है ना, ये भाग्य की गाथा है, तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा था। तो कुंदकुंद स्वामी तुरंत, यही तो गुरु की कला है ना, वो इधर गिरने देंगे ना, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत कोट, ऊपर गुरु गुलाल शिष्य कुंभ है, गुरु गुलाल शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काड़त खोट, चोख नहीं, घड़ घड़ है ना, पलट पलट के, कहीं गलती मिल जाए तो मजा आवे। जो सदा शिष्य में गलतियां ही देखते रहते हैं, सच्चा गुरु कभी शिष्य में अच्छाई नहीं देखता, क्या देखता है? बुराई देखता है, बस कहीं से बुराई मिले और इसको ठोकूं, बस समझ लेना वही गुरु सच्चा है। अपन सोचते हैं हमने इतने नंबर लाए 99 तो भी खुश नहीं, गुरु कहते हैं एक नंबर कहाँ गया, 99 तो लाया हूं, पहले तो एक बता कहाँ गया, कम क्यों हुआ? तो ऐसा कम्मम हवे किट्टम, आत्मा को मलिन करने वाला कीचड़ कौन है? ये सारा तरफ गंदगा मचा रखी है, कम्मम है, इवे लिखा है, होना चाहिए हवे कम्मम इवे। प्राकृत भाषा है, क्योंकि इसमें इतने विकल्प है, और इसे हा बन भी सकता है, प्रेस मिस्टेक भी हो सकती। अब अमृतचंद सूर्य ने इस पर टीका में पुनरावृत्ति दी नहीं, पर अब हम ये नहीं कह सकते कि इवे भी नहीं, क्योंकि आयरी आणम ई भी आता है और या भी आता है, फिर भी अपन हवे ही कर लेते हैं। रागादि कालिया अह विभावो, और रागादि क्या है, ये कालिया न धुआं, कालिमा कलिस्ता, अह विभावो अथ विभावो, और यही विभाव है। अब इसको कैसे दूर करें, सम्मत नान चरणम, ये रत्नत्र जो है परम औषधि इदि, परम औसहम इदि ध्यान ही, ये सम्यक ज्ञान चारित को औषधि मानो जानो। फिर क्या करें अब इसको, अब तो समझ में आ गया कि कर्म कीट है ये कालिया रागदेश। कालिया किसको कहा इन्होंने, रागदेश को, क्योंकि अपन पहले पढ़ के आए राग देश में निमित्त क्या है, कर्म, नौ कर्म, तो नौ कर्म जो है कीट है
और जो धुआं उठता है यानी अपने अंदर जो कसाएं उठती हैं, राग द्वेष उठता है, ये राग द्वेष कसाएं ही कालिया हैं। और उसकी औषधि क्या है? रत्नत्रय। अब क्या करना है? झाणम हवे अग्नि, कौन सी अग्नि? ध्यान रूपी अग्नि में रख दो किसको? तब झाणम भत्तली, तपाचरण, तपाचरणम, तपाचरण रूपी भत्तली यानी भगोनी, भस्तली, भगोनी जिसमें अपन तुम लोग सामान गर्म पानी आदि करते हो ना, समक खाद हो। समक खाद का अर्थ समीचीन रूप से, ज्यादा तेज में मत रख देना, ठंडे में भी मत रखना, समक खाद हो। समक खाद ने समीचीन रूप से जितनी आगे चाहिए है, जितनी देर को रखना है, जितने समय को रखना है, उसमें इन्होंने समक खादों का अर्थ क्या लिया उन्होंने? खैर अमृतचंद सुन तो ये ही नहीं कहा था, हाँ शायद बरनी जी ने लिए क्या अनवय आर्य अर्थ में है, अनवय वाली किताब है किसी पास? जीवो हवे ये लोहम, और जीव को क्या बना दिया? लोह। धम्मी दब्बो परम जोगे ही, परम जोगे ही यानी विशुद्ध मन वचन काय से धम्मी दब्बो, धोको, धोकना है हवा दो, प्रज्वलित करो उसे, परम जोगे ही। अब यहाँ समक खादों से पवन देने की, धोकने की धोकनी कही गई है। ऐसे कैसे समक खादों के ऐसे समख्यात, समाख्यातम, समाख्यातम दे रहे तो समख्यात यानी धोकनी कह रहे, धोकनी, धोकनी और धम्मी दब्बू का धोकना, धोकनी, भट्टी गल एक वो चलता था ना मिट्टी का, धमकला, 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 धोकनी, धमकला। अब उसको सिगड़ी कहने लगे, लोहे की बन गई तो सिगड़ी हो गई। दर्शकों भी आप देख रहे हैं समाचार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे समयसार प्रशिक्षण शिविर में साधर्वी बंधु समयसार ग्रंथ के रहस्यों को समझ रहे हैं, तो वही पूज्य गुरुवर से अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर रहे हैं। तो दर्शकों इस विशेष प्रसारण में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का, हम पुनः उपस्थित होंगे शिविर के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा।